ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा अगर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, संसार में तो लोग पाप कर्मों में ही प्रवृत्त पाए जाते हैं। सच तो ये है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी ये पता नहीं है कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। केवल भगवान ही आकर हमें सद्विवेक प्रदान करते हैं, कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं और बताते हैं तुम्हारा ये कर्म भी पाप के खाते में जाता है। कुछ कर्म डायरेक्टली पाप हैं और कुछ कर्मों से हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती हैं, उन्हें भी सूक्ष्म विकर्म ही कहा जाता है। मान लो दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण, मन में चलने वाले अपवित्र संकल्प, इनसे शक्तियां तेजी से नष्ट होने लगती हैं। व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ में रुचि रखना, ये भी सूक्ष्म रूप से पाप कर्म है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों का धन हड़प लेना, ईमानदारी से कार्य न करना, करप्शन, ये सब पाप कर्म में गिने जाते हैं। हम पुण्यात्माएं हैं, हमें याद रखना है दो युग तक तो हम बहुत पुण्य आत्मा रहे, तीसरा युग भी ज्यादा से ज्यादा 90% हमने पुण्य कर्मों में ही व्यतीत किया है। हमारे पुण्य कर्म ही संसार में पुण्यों की सरिता बहाते हैं। पाप का गंदा नाला चारों ओर बदबू फैला रहा है। हमारी प्योर वृत्ति, हमारे प्योर वाइब्रेशंस इसको स्वच्छ करते हैं। तो हम सब याद रखें, देखिए भगवान उवाच, उसने ही आकर केवल कहा काम महाशत्रु है, काम ही सभी पापों का मूल है। तो हम सबसे बड़ा पाप इस काम महावैरी को माने और इससे स्वयं को मुक्त करें। इसी ने मनुष्य को नरक में गिराया है और यही मनुष्य के दुखों का, परेशानियों का, अशांति, तनाव, समस्याओं का कारण भी है। आजकल तो युवा वर्ग में इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है, कैसे इस वासना के कारण अनेक युवक डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो हम सभी पुण्य आत्मा बनेंगे। हमारे पुण्य कर्म सचमुच इस सृष्टि को बहुत बड़ा बल देते हैं, क्योंकि हम सब तो हैं पूर्वज। हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव संसार की प्रत्येक आत्मा को जाता है। यदि हम और सूक्ष्मता में चलें, तो हमें अपने कर्मों को दिव्य कर्म बनाना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, हमें निष्काम कर्म योगी बनना है। जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे, करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कर्म योगी भी नहीं बन पाएंगे और तब तक सारे कर्म आत्मा को बांधते ही रहेंगे। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो कर्म हमें बंधन नहीं डालते। हम देख लें किसी भी कर्म करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। मान लो आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और आपके मन में ये सूक्ष्म भावना है कि मैं अपने बच्चों की पालना के लिए ये सब कार्य कर रहा हूँ, तो बच्चे आपको कर्म बंधन में बांधेंगे। लेकिन यदि आपको ये भावना है कि मेरा ये सब कर्म प्रभु अर्थ है, बच्चे उसने दिए हैं, उसके दिए हुए धन से मैं इन बच्चों की पालना करता हूँ, करती हूँ, तो कोई भी कर्म आपको बांधेगा नहीं। हमें दिव्य कर्मों की ओर भी चलना है। जैसे बाबा के कर्म दिव्य हैं, उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो हमारे कर्मों में भी दिव्यता आ जाएगी। जो कर्म पवित्र रहकर निष्काम भाव से किए जाते हैं वो दिव्य बन जाते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
पवित्रता का सूर्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, मेरे पुण्य कर्मों का बल सारे संसार को मिल रहा है और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।